अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जीव का इसको हम इस उदाहरण से देख ले। एक तरफ वह वृक्ष 50 फीट ऊंचे तक जा कर के खड़ा है, और एक तरफ एक नया पौधा कोमल जिसके पत्ते हैं और कोंपलें उसके फूट रही हैं। ये दोनों विपरीत भावों को लेकर के हैं। यह धीरे धीरे सूख रहा है जो बड़ा वृक्ष है, और यह छोटा पौधा आप पानी नहीं भी दो तो भी पानी की खोज वह करके कहाँ से करता। नीचे उसके पास जैसे आपके रेडियो वगैरह में वायर फिटिंग रहती है ना, उस प्रकार उस पौधे के नीचे जड़ में ऐसे तंतुएं ऐसी हैं जो पूरी जहाँ पर पाषाण आया वहाँ छोड़ करके, जहाँ मिट्टी आई मिट्टी की ओर वह जाता कहाँ तक जाता, कब तक जाता, जहाँ तक अपनी शक्ति है पूरी लगा देता। जैसे आप लोग पूंजी लगा करके दुकान खड़े कर देते हो, वहाँ तक जाता है वो, और जहाँ पर उसके योग्य मिट्टी पानी मिल जाता है उसको वह ऊपर की ओर, कहाँ तक, जहाँ तक कोंपले फूट रही हैं, जहाँ उसके नीचे पत्ते लहलहा रहे हैं, जहाँ पर इसका तना मजबूत बन रहा है, भले ही हवा के द्वारा झोंका खा करके वह धरती को छू भी लेता है, पुनः यूं उठ जाता है, उसके पास अपनी शक्ति विद्यमान। अब ये सूख रहा है, अब ऐसा सूख रहा है कई लोग इसको ईंधन बनाने के चक्कर में लगे हुए, अब इसका जीवन समाप्त हो रहा। हमें ये बताना है, एक तो बहुत बड़ा जिसके पास शक्ति है, जिसकी जड़ें बहुत नीचे तक पहुंच गई है, ये सूख क्यों रहा है। किसी ने कुछ मंत्र फूंक दिया वो इसलिए सूख रहा हो, और इसके लिए क्या बोलोगे, इसके लिए भी आपने मंत्र फूंका होगा इसलिए वो लहला रहा नहीं। आयु क्षयेन मरणम, आयु के क्षय से मरण निश्चित है। कितनी भी चिकित्सा करो वह चिकित्सा किसी प्रकार से काम में नहीं आने वाली। कितने भी आप भगवान से आराधना करो, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारा घर उजड़ जाएगा, मुझे तो अब जाना है ही, इसको बचाने के लिए कोई उपाय बता दो, इसके पास है उपाय। तुम्हारा जीवन तुम्हारे उपाय के साथ ही चल रहा है, कहाँ कैसा,
जब वनस्पति छोटी सी पौधा है वह अभी नीचे 500 फीट तक जा सकता है। आगम में ये कहा गया है, ऐसे जिसका नाम उन्होंने एक एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, लोद का वृक्ष है, लोद का वृक्ष, वह वृक्ष कितना भी नाजुक कमज़ोर क्यों ना हो, वह वहाँ तक चला जाता है जहाँ पर धन गाड़ करके रखा गया है, और कोई वृक्ष नहीं जाता। संभव है पूर्व जीवन में कोई सेठ साहूकार होगा और गाड़ करके रखा होगा और वह शोध कर रहा है, संभव है, और वह शोध करके दूसरे के घर की ओर अपना मुंह मोड़ दे, तो इसका ज्ञान जिसको है वह संभव है, ये लोद का वृक्ष है, ऐसा इधर उधर नहीं जा सकता, ये हमारे यहाँ आया है, तो कहाँ से आया, इसको देखता देखता चला गया, उसके तो गड़ा हुआ धन था, हंडा मिल गया। ये किसने खोज की? उसने बता दी, संकेत दे दिया किसी को, वह अपना मान करके नहीं, वह उसका कार्य है। संभव है लोह के कारण वनस्पति अलग पनपता हो, चांदी के कारण वनस्पति अलग रूप से खड़ा होता हो, और सोने के कारण वहाँ का वातावरण अलग बन सकता हो, बनता हो। प्राय करके इन धातुओं का उपयोग प्रभाव मनुष्यों के ऊपर भी पड़ता है, इसलिए आचार्यों ने कहीं कहीं पर ये लिखा है, कोई व्यक्ति अपने ग्रह के अनुसार मान लो जी रहा, सभी ऐसे अपने अपने ग्रहों के अनुसार ही जीते हैं, सोना पहनते हैं लेकिन सोने में कुछ मोती, चांदी पहनते हैं उसमें नीलम, और इसमें और इस प्रकार वह पुखराज और वो राज, अनेक प्रकार के वहाँ पर दे रहते हैं, इसका प्रभाव अवश्य ही धातु उपधातुओं के ऊपर पड़ जाता है, और धातु उपधातुओं का जो प्रभाव विकास की ओर है या स्वस्थ स्वास्थ्य की ओर है, वह एक सारा सारा नाम कर्म के उदय के ऊपर आधारित है। ये भीतर का हमें सिद्धांत अथवा विज्ञान, शरीर विज्ञान नहीं होने के कारण, अथवा यूं कह दो कर्म सिद्धांत का बोध नहीं होने से, हम अनेक प्रकार की आकुलता करके अपने आप को और अपव्यय की ओर ले जाते हैं। तो इन दोनों वृक्षों के माध्यम से हमें यह ज्ञात कर लेना है कि भीषण गर्मी में भी वह वनस्पति लहलहारा, हरा भरा है और वेग के साथ जा रहा है। क्या मिल रहा है उसे? उसकी योग्य राशन मिल रही है। कहाँ से वो राशन मिल गई? तो उसके कर्म के उदय में। इस प्रकार वह पृथ्वी में परिवर्तन होता रहता है, वही मिट्टी किसी के लिए सुखाने के लिए कारण है, तो वही मिट्टी किसी के लिए वह और ऊपर की ओर वह ले जा रहा है। वह एक प्रकार से अपने आप नहीं जा पा रहा, एक लकड़ी का सपोर्ट दिया गया है, वही पर्याप्त है। इस प्रकार वह पृथ्वी में परिवर्तन होता रहता है, वही मिट्टी किसी के लिए सुखाने के लिए कारण है, तो वही मिट्टी किसी के लिए वह और ऊपर की ओर
वह ले जा रहा, वह एक प्रकार से अपने आप नहीं जा पा रहा, एक लकड़ी का सपोर्ट दिया गया है वही पर्याप्त है। लकड़ी एक प्रकार सूखी हुई है, रूखी है वह, किंतु वह रूखी और सूखी कोई भी हो तो उसके लिए वह सपोर्ट, वह एक प्रकार से सहायता पहुँचाती, उसकी सहायता से वह ऊपर 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 जहाँ तक वह सूखी लकड़ी है वहाँ तक जाता है। मान लीजिए अब वह लकड़ी किसी भी प्रकार से नीचे गिर गई, किंतु वह पौधा जो है गिरा नहीं किंतु आगे ही बढ़ता गया, क्योंकि उसके तने में अभी काफ़ी कुवत आ चुकी है और इन सारे सारे राशनों का वह उपयोग करता जा रहा है। इसके लिए पूरे के पूरे कर्म उसने प्रकृति के कारण मृदु मार्दव जो स्पर्श है उसके अभाव के कारण, राशन नहीं मिलने के कारण और आयु कर्म धीरे धीरे कम होने के कारण दीपक में तेल कम होता जाता है, तो कितने भी उसको संवारो वह तो भैया मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए अब कोशिश मत करो, ज़्यादा तेल भी डाल दोगे तो भी मैं नहीं जल पाऊँगा। ऐसे ही यदि मान लो आप लोगों में से एक का टिकट आ जाता है, टिकट खरीदा होगा तभी तो आएगा आएगा तो वो आएगा, उसके कारण सबके लिए कहता है भैया अब मेरे लिए बहुत जल्दी है। जल्दी क्यों कर रहे हो आप? नहीं, ये जल्दी इसलिए है वो अनिवार्य है। हमने इस प्रकार का ही वह सौदा किया है, उसमें जल्दी पहुंचना अनिवार्य है। और सब कुछ आप छोड़ करके चले जाते हो, आप भी बहुत निरी है, घर को बांधा और खड़ा कर दिया, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पांच पांच या सात सात हैं फाइव स्टार क्या बोलते ऐसे बढ़ा दिया। और वहाँ पर कहा गया अरे वहाँ पर तो आपके लिए तैयार हैं 21 माला, माला भेजने की नहीं 21 मंजिल का खड़ा है, आरती लेकर के खड़े हैं, आपको उधर चलना है, ये आपका टिकट बताता है यहाँ पर रहने योग्य नहीं है, चलो। अब उसके लिए कोई भी दिशा बताने की आवश्यकता नहीं, उस आयु कर्म के साथ गति नाम कर्म का भी बंध अनिवार्य होता है, उस पेतुल के साथ गति जो है उसी ओर चला जाता है। तिरंज गति हो करके भी एक इंद्रिय हो, द्विंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चौरेंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, और इस प्रकार उनमें भी कई प्रकार प्रकार होते चले गए। वो चला जाता, किसी को मालूम नहीं रहता कि फलाना सेठ वहाँ से यहाँ आए, यहाँ से वहाँ जाना है, यहाँ का आपका जो कोई भी खजाना है, कहीं जाना नहीं आना नहीं, आप भले ही चले जाओ वहीं पर सुरक्षित रहेगा। और आप यदि मान लो आपका उसमें भाग्य नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा और दूसरे को वह उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह बहुत बड़ा रहस्यपूर्ण संसार की यात्रा है आप करते आ रहे हो। धन्य हो आप,
निर्भीक होकर के ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कभी कभी अकेले बैठ करके रोते भी होंगे, हैं? किसी को बताते नहीं, हाँ देते रहते, किसी को बताते नहीं, वो बताने की चीज़ भी नहीं है। कभी कभी आप लोगों में से या किसी से भजन हम सुन लेते हैं तो वह पिंजरे के पंछी तेरे दर्द न जाने कोई, तो वह दूसरे जाने या न जाने, लेकिन स्वयं को तो जानना चाहिए ना। स्वयं लकड़ी का सपोर्ट दिया गया है वही पर्याप्त है। लकड़ी एक प्रकार सूखी हुई है, रूखी है वह, किंतु वह रूखी और सूखी कोई भी हो तो उसके लिए वह सपोर्ट, वह एक प्रकार से सहायता पहुंचाते, उसकी सहायता से वह ऊपर 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 जहाँ तक वह सूखी लकड़ी है वहाँ तक जाता है। मान लीजिए अब वह लकड़ी किसी भी प्रकार से नीचे गिर गई, किंतु वह पौधा जो है गिरा नहीं किंतु आगे ही बढ़ता गया, क्योंकि उसके तने में अभी काफ़ी कुवत आ चुकी है और इन सारे सारे राशनों का वह उपयोग करता जा रहा है। इसके लिए पूरे के पूरे कर्म उसने प्रकृति के कारण मृदु मार्दव जो स्पर्श है उसके अभाव के कारण, राशन नहीं मिलने के कारण और आयु कर्म धीरे धीरे कम होने के कारण दीपक में तेल कम होता जाता है, तो कितने भी उसको संवारो वह तो भैया मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए अब कोशिश मत करो, ज़्यादा तेल भी डाल दोगे तो भी मैं नहीं जल पाऊँगा। ऐसे ही यदि मान लो आप लोगों में से एक का टिकट आ जाता है, टिकट खरीदा होगा तभी तो आएगा आएगा तो वो आएगा उसके कारण सबके लिए कहता है भैया अब मेरे लिए बहुत जल्दी है। जल्दी क्यों कर रहे हो आप? नहीं, ये जल्दी इसलिए है वो अनिवार्य है। हमने इस प्रकार का ही वह सौदा किया है, उसमें जल्दी पहुंचना अनिवार्य है। और सब कुछ आप छोड़ करके चले जाते हो, आप भी बहुत निरी है, घर को बांधा और खड़ा कर दिया, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पांच पांच या सात सात हैं फाइव स्टार क्या बोलते